ECAT मैथमेटिक्स F.Sc पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 है जी हमारा, जो कि कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड है। और इसमें आज हम जिन दो टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे उनमें पहला है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल और दूसरा है कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्कल्स, यानी जिन हम टेंजेंट सर्कल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट सर्कल्स में हमने देखा था कि इन अगर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल होंगे तो इनके सेंटर्स का डिस्टेंस इनके रेडियस के सम के बराबर होगा, ठीक है। जबकि इंटरनली अगर टच कर रहे होंगे ये सर्कल्स तो फिर इनके रेडियस का डिफरेंस जो है वो इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब इनसे रिलेटेड जो MCQs है वो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट MCQ सॉल्व करते हैं, इसकी स्टेटमेंट है कि इफ S1 एंड S2 आर द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन है सर्कल की, क्योंकि x² + y² + 4x + 1 = 0 है, जबकि सेकंड है x² + y² + 6x + 2y + 3 = 0। देन इक्वेशन ऑफ कॉमन क्वाड इज, इन ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि दुरुस्त है और वो उस क्वाड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन दोनों सर्कल की इंटरसेक्शन में आ रही है। यानी इसको मैं अगर फिगर्स में समझाना चाहूँ, ठीक है, डायग्राम के थ्रू, तो फर्ज करें एक सर्कल ये है, ठीक है, ये इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, और दूसरा सर्कल जो है वो फर्ज कर लें इस तरह से, ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि क्वाड सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने से बनती है, ये बात तो आपको पता है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स को मिलाऊं तो ये दोनों इन दोनों सर्कल के कॉमन पॉइंट और ये कॉमन क्वाड है। तो हमने चूंकि अभी जो क्वाड के एंड पॉइंट्स हैं वो नहीं फाइंड करने, ठीक है, हम यहाँ पर क्या टेक्निक लगा सकते हैं कि हम जो सेकंड इक्वेशन है, मतलब चलें या फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें से फर्स्ट में से सेकंड को अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो हम इक्वेशन ऑफ जो क्वाड है वो बता सकते हैं, मतलब लाइन की हमारे पास एक इक्वेशन आ सकती है यहाँ से, ठीक है, ये इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने इनको लिखा है, कोफिशियंट्स जो है वो आपस में आमने सामने हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा लेते हैं, ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी ये भी ये भी, और ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा इसको, बल्कि मैं यहाँ से कॉपी करके ज़ीरो को ज़ीरो के सामने ही लिखता हूँ, ठीक है, ताकि एक जैसा लगे, लाइक टर्म्स आमने सामने। तो देखें ये कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 6x में से 4x माइनस करेंगे 2x आ जाएगा, 2y एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस 1 को भी मुझे इधर लिखना चाहिए था, ये चूँकि इसकी लाइक टर्म जो है वो पॉजिटिव 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस 2 और इक्वल टू 0। अब तीनों टर्म में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें अगर आप, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, और अब 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आता है, जो कि इक्वेशन नंबर ए में लिखा हुआ है, इसलिए यानी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो हम ये कहेंगे ये इक्वेशन जो है x प्लस वाई प्लस 1 ये बेसिकली जो है वो इक्वेशन ऑफ कॉमन क्वाड को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है। नेक्स्ट MCQ सॉल्व करते हैं, इसकी स्टेटमेंट है कि द लेंथ ऑफ द क्वाड इंटरसेप्टेड बाय द सर्कल ऑन द लाइन इज, मतलब ये एक लाइन है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो इस पे एक क्वाड बनती है, उस क्वाड की लेंथ जो है वो कितनी होगी, बेसिकली ये हमने देखना। तो ये लाइन इस सर्कल को जिन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी हम वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस जो लाइन है इसमें से किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, जैसे वाई को अगर सेपरेट किया जाए तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस जो वाई की इस वैल्यू इसको हम इस गिवन इक्वेशन में दर्ज करेंगे सर्कल की, ये आखिर कहाँ पर टच करती है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और वाई की जगह हम एक्स प्लस 1 लिखेंगे इसका स्क्वायर, ठीक है जी, और उसके बाद प्लस 2x है, माइनस 4, वाई की जगह x प्लस 1 है, और माइनस 1 और इक्वल टू 0 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या जवाब आता है, ठीक है जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x, फिर 2x और ये माइनस 4x, माइनस 4 और माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। अब देखें ये जो है हमारे पास माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, ये 2 है और 2 4x हो जाएंगे और ये माइनस 4x से कैंसिल, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 आ रहा है, या मैं ये कह सकता हूँ कि
2x square equal to 4 आ रहा है, divided by 2 कर लेंगे तो x square equal to 2 और x जो है वो equal to plus minus under root 2 आ जाएगा। अभी जगह इसकी value अगर put की जाए तो फिर y किसके equal आएगा, plus minus 2 plus 1 के, ठीक है, x की value हमने यहाँ पे दर्ज कर ली। तो देखें जो distance है ये इसका मतलब हमें x1 x2 मिल गए और ये y1 y2 मिल गए, मतलब points मिल गए हैं। अब हमने इनके दरमियान डिस्टेंस लेनी है, ठीक है, d डिस्टेंस जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिसा के, मतलब एप्सिसा का जो डिफरेंस है उनका स्क्वायर और प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो एप्सिसा है अगर अंडर रूट 2 है तो दूसरा माइनस अंडर रूट 2, उसका डिफरेंस लेंगे तो प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसी तरह जो y कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें के अंडर रूट 2 प्लस 1 है, इसका जब डिफरेंस लेंगे माइनस अंडर रूट 2 तो प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा और जो प्लस 1 है वो माइनस 1 हो जाएगा और होल स्क्वायर। तो 1 1 से कैंसिल, ठीक है, यहां पर ये 2 टाइम अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये भी 2 टाइम अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इसका अगर स्क्वायर एक्सपेंड किया जाए, मतलब स्क्वायर सॉरी स्क्वायर लिया जाए तो ये 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का 2, तो 4 2 आर 8 और यहां भी 8 आ रहा है तो ये 16 आ गया और 16 का अंडर रूट होता है 4। तो यहां पर जो ऑप्शन ए है फिर वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा और हम कहेंगे कि जो कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी आएगी, वो 4 यूनिट्स आएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इसकी स्टेटमेंट है कि इफ x3 यानी एक ये जो पॉइंट है और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 5 है, ये दो पॉइंट्स आर एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड सेंटर जो है सर्कल का वो 2y है, then the value of x y यानी जो missing value है x और y की वो क्या हो सकती है। देखें हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पर जो missing value y की आ रही है वो center पे है, ठीक है, जो कि diameter के मतलब जो y coordinates हैं, मतलब ये दोनों end point की जो y coordinate हैं इनके mid का point है ये, यानी कैसे आ सकता है कि इनके y coordinate का sum करके divided by 2 किया जाए, मतलब 4 आता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में अवेलेबल है। यानी रिवर्स इंजीनियरिंग से अगर आप देखें तो हमें ऑप्शन कितनी जल्दी मिल रहा है कि हम कह सकते हैं कि ये फिर x जो है वो 1 होगा, क्योंकि देखें 1 और प्लस 3 अगर ऐड करें और 2 पर डिवाइड करें तो ये 2 बनता है जो कि यहां लिखा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन ए जो है हमारा यहां पे वो बेस्ट ऑप्शन होगा। और डायमीटर तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, मैं स्केच बना देता हूं ताकि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ जाए कि ये अगर सर्कल था, ठीक है, तो सेंट्रल कॉर्ड को डायमीटर कहा जाता है जो कि सेंटर से सर्कल के पास है, ठीक है, तो ये ए पॉइंट था ये बी था जबकि ये जो सेंटर है सी ये यहां पे मौजूद था। तो अब आपको मेरी बात ये क्लियर हो जाएगी कि जो मैंने यहां पर प्रॉपर्टी यूज की थी मिड पॉइंट की उसकी मदद से ये मेरे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इसकी स्टेटमेंट है कि द सर्कल x2 + y2 - 2x - 4y और इक्वल टू 0 ये, और दूसरा सर्कल जो है यहां सर्कल्स हम कर लेते हैं, ठीक है, ये एक छोटी सी करेक्शन यहां पर रहती है, सर्कल्स हैं, ठीक है, दूसरा सर्कल जो है उसकी इक्वेशन है x2 + y2 - 8y - 4 इक्वल टू 0। अब ये जब मतलब ग्राफिकली ड्रा होंगे तो क्या ये इंटरनली टच करेंगे या एक्सटर्नली टच करेंगे या टच ही नहीं करेंगे या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब क्या पता कुछ और ऑप्शन हो, तो मतलब ये भी हो सकता है कि ये बाज़ुकात इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स गिवन नहीं होती, उस लिहाज से पूछा गया, ठीक है। तो देखें अब हम इस बात को किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, हम ये बात जानते हैं कि दो सर्कल्स उस वक्त इंटरनली टच करते हैं या एक्सटर्नली टच करते हैं जब उनके रेडियस का सम, अगर उनके रेडियस का सम उनके सेंटर्स के जो है वो डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो ये एक्सटर्नली टच करेंगे, और अगर रेडियस का डिफरेंस सेंटर्स के डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो ये इंटरनली टच करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि मुझे सेंटर मालूम करने के लिए इस सर्कल के लिए g की वैल्यू जो कि हम जानते हैं कि x2 + y2 + 2gx + 2fy और + c = 0 जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो g की वैल्यू यहां पर -1 है और f की वैल्यू यहां पर हमारे पास -2 है, ठीक है, जबकि c जो है इस केस में वो 0 है, जबकि दूसरे सर्कल की अगर बात की जाए तो इसमें जो हमारे पास g की वैल्यू वो 0 है, ठीक है, f की वैल्यू जो है वो -4
4 है और C की वैल्यू जो है वो भी -4 है। तो हम जानते हैं कि जो सेंटर है, सेंटर उसके कोऑर्डिनेट होते हैं -G और -F, तो ये तो 1 और 2 आ जाएंगे। ठीक है, ग्रीन कलर में मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूँ, येलो में इस सर्कल की बात कर रहा हूँ। दूसरे सर्कल के जो सेंटर है, अगर से मैं C1 इसको C2 कह रहा हूँ, तो इसका जो सेंटर होगा उसमें जी नेगेटिव जी मतलब 0 का नेगेटिव 0 ही होता है और -4 का पॉजिटिव 4 हो जाएगा। ये सेंटर आ गया, इनके सेंटर्स का डिस्टेंस ले लेते हैं हम कि वो कितना बनता है। ठीक है, देखें एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे, 1 में से 0 माइनस करें 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस। इसी तरह अगर हम 2 में से 4 माइनस करें तो -2 आएगा और उसका स्क्वायर पॉजिटिव 4 आएगा। ये हमारे पास आंसर आ रहा है √5 यूनिट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास मतलब यहाँ पर जो इनके रेडियस हैं वो क्या है। ठीक है, R1 कितना है, उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं कि जो जी की वैल्यू उसका स्क्वायर, एफ की वैल्यू का स्क्वायर और -C, तो जी स्क्वायर 1 है, -1 है मतलब उसका स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा और एफ -2 उसका स्क्वायर पॉजिटिव 4 हो जाएगा और सी 0 माइनस भी कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, ये √5 आंसर आ रहा है। ठीक है, और R2 को कैलकुलेट अगर करें हम तो वो हमारे पास कितना आता है, देखें यहाँ पर जी तो 0 है, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और -C है ये हो जाएगा प्लस, मतलब चूंकि फार्मूला में भी नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव, दो दफा मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो गया तो ये 20 आ गया। अब 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5। ठीक है, इसके फैक्टर बना लें और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख लें तो ये हमारे पास, देखें हमें एक बात पता चल रही है कि सम तो नहीं लेकिन डिफरेंस नज़र आ रहा है कि अगर हम R2 में से R1 माइनस करें, यानी 2 √5 में से √5 माइनस कर लें तो 1 √5 बच जाता है, जो कि इक्वल टू जो है इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो सर्कल्स हैं ये एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, ये इंटरनली टचिंग सर्कल्स होंगे जो कि हम फिर ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। यानी कि इस तरह से होगा कि अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, तो दूसरा सर्कल जो होगा वो इसके अंदर ड्रा हो रहा होगा, ठीक है, उसका सेंटर के यहाँ पर होगा इस तरह से और जो इनके ये सेंटर्स का डिस्टेंस है वो इनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर, कुछ इस तरह से ये फिगर हमें मालूमात प्रोवाइड कर रही है कि ये इंटरनली टचिंग सर्कल्स हैं। तो इस तरह से हमने इस MCQ को जो है वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट MCQ सॉल्व करते हैं, इसकी स्टेटमेंट है कि एंगल सबटेंडेड इन द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल जो कि है x² + y² = 18, यानी इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, 0 0 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं और इसका रेडियस जो है वो है जी 3 × √2। ठीक है, चूंकि इसका इस नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए तो ये 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 18 बनता है और उस सर्कल के जो एंड पॉइंट्स हैं जो सर्कल की बाउंड्री पर है, मतलब सॉरी एंड पॉइंट्स मींस के डायमीटर सॉरी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स। ठीक है, और अगर हम इस तरह से बात करें कि सर्कल के जो पॉइंट्स हैं वो ये 3 और 3, ये उसके मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट के और -3 और 3 ये दूसरे पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यानी इस बात को मैं अब यूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, मैं एक सर्कल कंप्लीट करता हूँ यहाँ पर उसकी फिगर को, ठीक है, फर्ज करें कि ये सर्कल है, ठीक है, और इसका सेंटर यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 आ गए। ठीक है, अब जो ये पॉइंट्स हैं, फर्ज करें कि एक पॉइंट इस जगह पे लाई करता है, चूँकि इस सर्कल का जो रेडियस है, ये रेडियस जो है ये, बल्कि इसको मैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, या इस तरह भी हम ज्वाइन कर सकते हैं कि ये रेडियस जो है हमारे पास ये 3 × √2, ठीक है, यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। क्योंकि अगर मैं ओरिजिन ले रहा हूँ तो राइट पे जाऊँगा तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, लेफ्ट पे जाऊँगा तो मतलब अबव द x एक्सिस y पॉजिटिव होता है लेकिन लेफ्ट पे x नेगेटिव होता है, तो ये -3 3 यहाँ पर होगा और बल्कि इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, -3 और 3 यहाँ पे होगा और 3 3 यहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरह से और ये वो मतलब इस तरह से देखें तो ये एक आर्क है और मेजर आर्क अगर आप देखें तो फिर ये मेजर आर्क इस तरह से बन रही है कि यहाँ पर इसको मैं यूँ कहूँगा
ये वाइट कलर में, जब ये आर्क जो कि आधे सर्कल से बड़ी होती है इसे मेजर आर्क कहते हैं, ठीक है, ये मेजर आर्क है इस तरह से। तो इसका जो एंगल बन रहा है जो कि इस आर्क के अंदर बन रहा है वो हम कैसे ले सकते हैं कि एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया कि मैं अगर इस पॉइंट को मिलाऊंगा ब्लू पॉइंट से तो ये कॉर्ड डायमीटर भी ड्रा हो जाए, ठीक है, इन सेंटर से पास हो। इसे मैं फर्ज करें ए पॉइंट कहता हूँ, इसे बी कहता हूँ, तो ये सी डी पॉइंट है, ठीक है। अब जो ये मतलब आर्क, मेजर आर्क एंगल बना रही है, सबटेंड कर रही है, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये आप अगर यहाँ पे देखें तो वो एंगल कुछ यहाँ पे बन रहा है इस तरह से, ठीक है। अब ये एंगल कितने डिग्री होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या ये पाई बाय टू या 90 डिग्री है या 60 डिग्री है, 30 डिग्री है या 45 डिग्री, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाए रेडियंस में, ये फिर हम इस तरह से कहेंगे। अब देखें, ये बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जिसमें एक x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और y जो है वो आर साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अगर बी पॉइंट की बात की जाए तो ये एंगल जो बन रहा है ये हमें यहाँ से मिल सकता है कि x कितना है 3 और r है हमारे पास 3 टाइम अंडर रूट 2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से एंगल बता सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा और थीटा इक्वल टू 3 से कैंसिल 1 ओवर अंडर रूट 2। तो हमें पता है कि 45 डिग्री पे या पाई बाय 4 एंगल पर ये मतलब वैल्यू देता है कॉस 1 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। लेकिन जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं, चूंकि ये भी पॉइंट है, ठीक है, चूंकि आर्क जो है वो ए से लेकर बी तक है, अगर मेजर की बात करें तो इस तरह से है, ठीक है। तो फिर ये एंगल कितना बन रहा है, अगर हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखें तो ये एंगल यहाँ तक बन रहा है, ठीक है, इसकी रोटेशन इतनी है और इसमें यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट -3 है और ये आर जो है वो 3√2 कोसाइन ऑफ थीटा है, यानी यहाँ पर -1/√2 जो है वो इक्वल टू कॉस की वैल्यू आ रही, जो कि हमें पता है कि ये माइनस, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हम चले गए हैं इसलिए ये 135 डिग्री पे आ रही है, ठीक है, 135 डिग्री, ठीक है, ये वैल्यू। इसका मतलब कि ये एंगल हमारा 135 है और अगर मैं इस डायमीटर को मुकम्मल कर दूं तो ये रिमेनिंग एंगल जो होगा यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री होगा, ठीक है, चूंकि 45 में ये 135 ऐड करें तो ये 180 पूरा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से हमें बात पता चल रही है। दूसरी बात ये कि आप ये देखें तो ये एक कॉर्ड इस तरह, एक डायमीटर इस तरह से ड्रा हो रहा है और एक डायमीटर इस तरह से, दो इंटरसेक्टिंग लाइन के दरमियान जो अपोजिट एंगल होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ पे एंगल 45 है, इसका मतलब ये एंगल भी 45 होगा और ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 90। तो ये एक जो ट्राइंगल बन रही है इसमें ये एंगल कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है और ये एंगल जो होगा ये हमारा नॉन एंगल है और ये एंगल ये बराबर होंगे, क्योंकि इस ये आप देखें तो सेंटर से लेकर डी तक ये रेडियस है, सेंटर से लेकर ए तक ये भी रेडियस है, तो साइड बराबर हो तो एंगल भी बराबर होते हैं। इसका मतलब कि एंगल, ये जो एंगल अगर ये 90 का तो ये दोनों का सम 90 होगा और ये दोनों बराबर है 45। इसका मतलब कि पाई बाय 4 जो है हमारा यहाँ पर वो बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है जो कि है एक्स माइनस एक्स वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वन वाई माइनस वाई वन टाइम्स वाई माइनस वाई टू जो कि इक्वल टू जीरो है। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या होगा, ये बात हमें पता है कि हमने जब इस इक्वेशन को ड्राइव किया था, ठीक है, यानी हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था, फर्ज करें मैं यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूँ आपको, एक आपकी रिवीजन के लिए, प्रॉपर सर्कल नहीं बन सका, सिर्फ एक जल्दी जल्दी हम रिव्यू ले रहे हैं कि अगर ये पी पॉइंट हमने यहाँ सेलेक्ट किया था एक्स वाई, ठीक है, और फिर हमने डायमीटर ड्रॉ किया था, ठीक है, एक सेंट्रल कॉर्ड ड्रॉ की थी इस तरह से और इसके दो पॉइंट्स लिए थे हमने, एक को हमने ए कहा था जिसके एक कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वन और वाई वन, ठीक है, और बी जो था उसके थे कोऑर्डिनेट एक्स टू और वाई टू, और हमने फिर स्लोप लेकर, यानी हम ये जानते हैं कि जो सेमी सर्कल है वो कॉर्ड के साथ जो एंगल बनाता है या एक सेमी सर्कल के अंदर जो इंस्क्राइब एंगल होता है यहाँ पर ये 90 डिग्री का होता है, तो हमने इनकी स्लोप का प्रोडक्ट लेकर ये इक्वेशन बनाई थी। तो यहाँ पर सेंटर बेसिकली इन ए बी के मिड पॉइंट को हम कहेंगे, जो कि सर्कल का भी सेंटर है, ठीक है, डायमीटर का
मिड पॉइंट, तो अब कैसे आएगा जी, एक्स कोऑर्डिनेट का सम का हाफ और वाई कोऑर्डिनेट के सम का हाफ, जो कि फिर ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है वो बेस्ट ऑप्शन है और हम इसे मार्क कर देंगे। ऑप्शन बी, ए और जो मतलब यहाँ पर चले इसको मैं सी कह देता हूँ, ये गलत है, ठीक है। इसलिए हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक है और वो ऑप्शन नंबर जो है वो डी बनता है और हम इसलिए उसे मार्क कर देंगे।